और क्लच तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, कोई सेंटर लॉकिंग वगैरह इसमें नहीं है रिमोट से, लेकिन की से ज़रूर हमें सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाती है। एसी आप देखो, कहीं से भी आप नहीं बता सकते कि ये मैनुअल एसी है। तो भाई जिस भी भाई को ना काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए हो ना, तो ये भी एक रीज़न है कि भाई ये टाटा पंच सीएनजी में इतनी ज़्यादा बिक रही है। चलो ये वाला तो आप सब कर लोगे, प्रॉब्लम आएगी भाई वो वाला करने में, जिसका भी बजट होता है भाई 7-8 लाख का, वो भाई यही गाड़ी लेता है सीएनजी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू विद आर्यन पर। मैं हूं आप सबका होस्ट एंड दोस्त आर्यन। तो आप सबके सामने खड़ी है टाटा की पंच। अगर वेरिएंट की बात करूं तो भाई ये रहने वाला अपना बिल्कुल बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट, सीएनजी का बिल्कुल बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। तो आज हमें ना इसका प्रॉपर एक वॉक अराउंड रिव्यू लेके आए हैं आप सबके लिए। पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई बाहर से ना गाड़ी कैसे कुछ दिखती है, अंदर से दिखाऊंगा भाई कैसे कुछ कम्फर्ट और फीचर है बेस वेरिएंट में टाटा दे देती है पंच में। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी। तो भाई ये चाबी आती है, आप सब देख पा रहे हो, नॉर्मल चाबी है, कोई सेंटर लॉकिंग वगैरह इसमें नहीं है रिमोट से, लेकिन की से ज़रूर हमें सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाती है। बाकी अगर बोनट की बात करें तो ऐसा कुछ हमें बोनट देखने को मिल जाता है इसमें, पूरी क्रेजर डाल रखी है जैसे नेक्सोन में होती है वैसे ही इसमें है। बाकी नीचे आप देखो तो यहाँ पर इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है हमें, और ये इसका पायलट लैम्प है हेलोजन में ही। नीचे अगर ग्रिल की बात करें तो ऐसे कुछ हमें ग्रिल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे इसका टाटा का लोगो आ जाता है, और नीचे यहाँ पे आ जाता है इसका हॉर्न, जो कि अपना सिंगल टोन में ही हॉर्न रहने वाला है। अगर हेडलैम्प सेटअप की बात कर ले तो भाई यहाँ पे इसका हेडलैम्प आप सब देख पा रहे हो, ये पूरा हमें हेलोजन में ही देखने को मिल जाता है, हेलोजन में ही हाई बीम लो बीम सिंगल बैरल है ये, बस यही है। नीचे फॉग लैम्प के लिए हाउसिंग जरूर से आ जाती है, लेकिन फॉग लैम्प इसमें है नहीं। बाकी पूरे रेडिएटर के लिए ग्रिल ऑटो हुक वगैरह सब इसमें आ ही जाता है, वही है तो भाई इसमें फ्रंट से। बाकी साइड से अगर आपको दिखाऊं गाड़ी तो भाई साइड से कुछ ऐसे दिखते हैं अपनी टाटा की पंच, आपने देख ली। टायर की बात कर लें तो भाई ये आ जाते हैं अपने 15 इंच में टायर। प्रोफाइल की बात करें तो ये है अपनी 185/70 R15 में हमें प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, कोई भी व्हील कवर वगैरह इसमें नहीं आते, बस ये व्हील कैप लगा रखी है ब्लैक फिनिश में, तो ठीक लगती है। बाकी साइड में पूरी क्लाइडिंग आती है इसमें, और इंडिकेटर इसमें अपना ORVM पर ही आता है, बेस फ्रेंड है लेकिन फिर भी इसमें फेंडर पे नहीं दिया गया है, ORVM पे ही है, लेकिन आपको ये एडजस्ट है ना अंदर से करना पड़ेगा, और फोल्ड भी आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बाकी वाइपर इसमें नॉर्मल अपने आप सब देख पा रहे हो, और ऊपर इसमें कोई भी रूफ रेल वगैरह नहीं है, जैसे ये ऊपर वाला वेरियंट है तो इसमें रूफ रेल आती है, वैसे इसमें रूफ रेल नहीं है बेस फ्रेंड में, और कोई भी एंटीना भी इसमें नहीं दिया गया है। बाकी ए पिलर और सी पिलर अपना इसमें बॉडी कलर्ड है, बी पिलर इसमें हमें मैट फिनिश में रैप कर रखा है। बाकी डोर हैंडल आप सब देख पा रहे हो, ये भी ब्लैक मैट फिनिश में हमें देखने को मिल जाते हैं, और नीचे पूरी इसमें है ना क्लाइडिंग आती है। बाकी फ्यूल टैंक अपना यहाँ पे है, इसकी कैपेसिटी आती है भाई अपनी 40 लीटर की। और नीचे बात करें तो पीछे भी अपना वही टायर है सेम प्रोफाइल का, 185 सेक्शन का, 15 इंच का हमें देखने को मिल जाता है। बाकी पूरी है ना इसमें कवरिंग आती है, और इसमें ये चीज़ अच्छी है पंच में कि यहाँ पर भी है ना प्लास्टिक लगा रखा है, तो जंग वगैरह ज़्यादा नहीं लगेगा आगे जाने वाले टाइम पर। तो भाई ये था भाई इसकी साइड प्रोफाइल, अब चलते भाई पीछे की तरफ। तो दोस्तों ये देखो इसकी बैक प्रोफाइल पंच भाई आजकल है ना बहुत ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि भाई सीएनजी में है ना इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो बूट भी इसमें ना पूरा आता है, आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा। बाकी एक बार पहले पीछे की बात कर ले तो ऊपर से आप देखो हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है, सीएनजी का स्टिकर हमें देखने को मिल जाता है, कोई भी वाइपर नहीं है, कोई भी डिफोगर इसमें नहीं देखने को मिलता हमें, यहाँ पे टाटा का लोगो हमें देखने को मिल जाता है। नीचे पंच की बैजिंग है, आई सी एन जी की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और नीचे इसमें LED में है अपनी नंबर प्लेट के लिए लाइट, और नीचे इसमें है ना बेस लैंप है, लेकिन फिर भी है ना ये डाल रखा है अपना रिवर्स लैंप के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो सही है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो इंडिकेटर आ जाता है, और अपना ब्रेक लैंप हमें यहाँ पर ही देखने को मिलता है, इसमें सेम अपना इधर भी देखने को मिलता है। नीचे इसमें यहाँ पे ना रिफ्लेक्टर दे रखा है विद ट्रायर डिज़ाइन, और नीचे इसमें है ना दो पार्किंग सेंसर है, एक एरा और एक एरा। तो यही था भाई पीछे से मैंने आपको सारी दिखा दी, अब आपको लेके चलता हूँ भाई गाड़ी के अंदर, अंदर चल के दिखाता हूँ आपको कितनी कुछ स्पेसियस गाड़ी है ये, और क्या क्या फीचर बेस वेरियंट में टाटा ऑफर कर देती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा मैं इसका डोर, तो आप सब देख पा रहे हो भाई ऐसा कुछ डोर है इसका, पियानो फिनिश में हमें देखने को मिल जाता है इसके डोर ये वाले हैंडल, और यहाँ पे जो हैंडल है ये अपना नॉर्मल है। बाकी ये ड्यूअल टोन में रहने वाला अपना डोर, ये वाइट फिनिश है इसमें, आप थोड़ा ध्यान से देखो अगर कैमरा जस्टिस कर पाए तो, ये ट्राई एरो डिज़ाइन इसमें देखने को मिलता है हमें, दिख गया होगा आपको शायद। बाकी यहाँ पे ट्विटर के लिए ग्रिल है, स्पीकर के लिए ग्रिल है, ना ट्विटर आते हैं इसमें ना स्पीकर आते हैं। बाकी यहाँ पर बोतल वगैरह आ जाती है, और अम्ब्रेला के लिए भी स्पेस इसमें दे रखा है। दो ही पावर विंडो आते हैं भाई इसमें, और जो आपके एडजस्ट करने हैं अगर आपको ORVM, तो ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकली दे रखा है ना ही यहाँ पे मैनुअली दे रखा है,
आपको शीशा डाउन करके हाथ से ही करना पड़ेगा। चलो ये वाला तो आप सब कर लोगे, प्रॉब्लम आएगी भाई वो वाला करने में, तो भाई वो तो उतर के ही आपको सेट करना पड़ेगा, फिर पीछे अगर साइड में कोई बैठा है ना यहाँ पे, वो बंदा सेट करेगा आपके लिए, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। हाथ से तो दे ही देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिया इसमें। बाकी एक बार इग्निशन ऑन कर लेते हो तो भाई चाबी लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रिंग जरूर से बनी आ जाती है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो अभी जल गई, और ये देखो आप, अभी ये है भाई इसका मीटर। तो भाई सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका स्टेयरिंग व्हील। तो भाई ऐसा कुछ हमें इसका स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, डी कट है, और यहाँ पे कोई भी स्टेयरिंग कंट्रोल वगैरह देखने को नहीं मिलते हमें। सेंटर में टाटा का लोगो हमें देखने को मिल जाता है इसमें, और कोई भी लेदर वगैरह नहीं है, सॉफ्ट कंपाउंड है वैसे। और अगर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो आती है इसमें, टिल्ट आती है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं आती है। बाकी ये सीएनजी वाली गाड़ी है, तो यहाँ पे हमें सीएनजी में और पेट्रोल में कन्वर्जन के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हो जाती है। और जो ये वाले अपने कंट्रोल हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये है वाइपर के लिए, ये वाले कंट्रोल हैं अपने हेडलैम्प और इंडिकेटर के लिए, ये आप देख पा रहे हो इसका मीटर। तो भाई कैसा मीटर है आप सब देख पा रहे हो, फुल्ली डिजिटल है, सब कुछ इसमें डिजिटल है। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर आ जाता है इसमें, और सर्विस का बता देता है भाई 2 दिन बाद सर्विस करा लेना। बाकी ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर में यहाँ की स्पीड, यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, और सारी रिमाइंडर वगैरह, वार्निंग लाइट्स वगैरह यहाँ पे आ जाती है। आरपीएम के लिए आपको यहाँ पे लाइट जलती है, एक बार आपको दिखाती हूँ मैं, नहीं हुई अब होगी, ये आप देख पा रहे हो, ये जो आई है ना लाइट, ये अपनी आती है आरपीएम के लिए, और ये अपना आता है यहाँ पे फ्यूल के लिए, और ये अपना आता है यहाँ पे सीएनजी के लिए। तो सही है, हिसाब से पेट्रोल के लिए यहाँ पे दिखा देगा, सीएनजी के लिए यहाँ पे दिखा देगा। बाकी ये आपकी आ जाती है ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं लगा रखी उसके लिए, बाकी टाइम वगैरह भी ये बता देती है। तो भाई ये था भाई आपका मीटर। बाकी ए सी वेंट आप देख पा रहे हो, ऐसे कुछ आते हैं ए सी वेंट, यहाँ पे भी पियानो फिनिश की सराउंडिंग आ जाती है इसमें। सेंटर में भी सेम ए सी वेंट की डिज़ाइन है, और साइड वाला भी सेम डिज़ाइन में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, तो ये खाली जगह है, बाकी आप इसमें कुछ ना कुछ लगवा ही लोगे आफ्टर मार्केट जाके। बाकी ड्यूअल टोन में आता है अपना, प्रीमियम लगता है ये थोड़ा बहुत, इसलिए भाई ये गाड़ी, एक तो आपको स्पेसियस बहुत देखने को मिल जाती है, दूसरा है ना जो इसके जो पिलर वगैरह वो भी कम है, तो दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा ये गाड़ी को चलाने में, तो इसलिए ना गाड़ी ज़्यादा बिक भी रही है, और प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने। बाकी यहाँ पे हैजार्ड के लिए बटन दे रखा है। एसी आप देखो, कहीं से भी आप नहीं बता सकते कि ये मैनुअल एसी है, तो डिज़ाइन ऐसा कर रखी कि लोगों को भाई अच्छी लग जाती है भाई, एक बार में ये गाड़ी जिसका भी बजट होता है भाई 7-8 लाख का, वो भाई यही गाड़ी लेता है सीएनजी में। बाकी ये कुछ जगह इसमें छोड़ रखी है, नीचे यहाँ पे आपका मोबाइल वगैरह आ जाएगा, और 5 स्पीड का इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। पहले भैया अटकते थे गियर भाई, लेकिन अब है ना बहुत ज़्यादा ही काम किया है टाटा ने इस पर, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं अब, और क्लच तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मैं टाटा नेक्सोन ऑन करता हूँ तो उससे तो भाई बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्मूथ है। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है बेस वेरिएंट में भी, और यहाँ पे अपना आता है एक हैंड ब्रेक, दो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कप होल्डर, तो सही है। बाकी ग्लव बॉक्स भी अगर आपको दिखाऊं, तो भाई ग्लव बॉक्स टाटा की हर गाड़ी में काफ़ी बड़े आते हैं, तो इसमें भी उतना ही बड़ा दिया है, लेकिन IRVM जो इसका वो एडजस्टेबल नहीं है, और यहाँ पे हमें टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है, और लाइट से मेरे को शिकायत है कि भाई ये छोटी सी दे रखी है, एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ी बड़ी है जो LED वाली है वो आनी चाहिए थी, और यहाँ पे भी वैनिटी मिरर नहीं है, एयरबैग के लिए इसमें मार्किंग दे रखी है। बाकी एयरबैग की अगर बात हो रही है तो बता देता हूँ आपको, इसमें सिर्फ 2 ही एयरबैग हमें देखने को मिलते हैं फ्रंट में, बाकी कर्टन और सीट एयरबैग इसमें नहीं आते हैं, और जो अपने ग्रैब हैंडल हैं वो ड्राइवर साइड नहीं है, फ्रंट में आपको पैसेंजर में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे इसमें 2 दे रखे हैं आप देख पा रहे हो, तो ये है भाई। बाकी एक बार इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ सीट को, आपको पीछे लेके दिखाता हूँ कि भाई कितना कुछ स्पेस है। अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं चलाता हूँ क्योंकि मेरी हाइट है दोस्तों 6 फीट, तो एक बार अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ फिर आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया सीट, अगर मैं 6 फुट का बंदा गाड़ी चलाता हूँ तो पीछे अगर मैं बैठ पाता हूँ तो कितना स्पेस है मेरे पास वो आपको दिखाऊंगा, ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, मेरे पास स्पेस है, ठीक ठाक है। थाई सपोर्ट मेरे पास भाई भर भर के है, थाई सपोर्ट में मज़ा आ गया मेरे को ना, मेरा थाई ऊपर है तो सही है, और पीछे है ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, उसकी थोड़ी मेरे को कमी लग रही है। बाकी हेडरूम भी मेरे पास प्रॉपर है, और ये ग्रैब हैंडल अपने यहाँ पे आ ही जाते हैं। बाकी डोर की बात करें तो भाई यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है पियानो फिनिश में ये, और ये आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा, रोल डाउन करना पड़ेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है,
और ये आप देख पा रहे हो, ये आपका वाइट फिनिश में यहाँ पे भी आ जाता है। नीचे स्पीकर ग्रिल बोतल होल्डर वगैरह सब है इसमें। यहाँ पे भाई अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह आपका मोबाइल खड़ा हो जाएगा, लेकिन एसी वेंट वगैरह इसमें नहीं दिए गए हैं। ठीक है भाई, बाकी है ना सीट की 60-40 स्प्लिट भी नहीं है, नॉर्मल सीट है, लेकिन है ना तीनों सीट बेल्ट इसमें प्रॉपर आ जाती है सेंटर वाले के लिए भी, तो वह सही है। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसका बूट स्पेस, फिर आपको दिखाऊंगा इसका इंजन भी। तो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक बटन इसमें जरूर से दिया है, बेस वेरिएंट है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये आप देख पा रहे हो, ये भी एक रीज़न है कि भाई ये टाटा पंच सी एन जी में इतनी ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि है ना इसमें ना स्पेस भी हमें मिल जाता है। आप देखो ट्विन सिलेंडर इसमें टेक्नोलॉजी आती है, तो उसकी वजह से ना स्पेस इसमें प्रॉपर हमें देखने को मिल जाता है। और पूरा 1 kg का यहाँ पे हुक है, 1 kg का यहाँ पे हुक हमें देखने को मिल जाता है। पार्सल ट्रे नहीं आती, आप पार्सल ट्रे इसमें लगवा सकते हो, तो सही है भाई। बंद करते हैं, यहाँ पे पकड़ के आप इसको बंद भी कर सकते हो, इजीली ये बंद भी हो जाएगी। तो भाई ये तो था भाई इसका, मैंने आपको बूट स्पेस भी दिखा दिया, अब आपको दिखाता हूँ इसका इंजन में। तो दोस्तों ये है इसका इंजन बे, आप देख पा रहे हो इंसुलेशन इसमें प्रॉपर दे रखी है, सही है। बाकी ये 3 सिलेंडर इंजन है अपना भाई, जो कि अपना पावर बना देता है, अपना 83 BHP की पावर निकाल के दे देता है आपको, और 139 Nm का ये टॉर्क निकाल के दे देता है पेट्रोल में। CNG में है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो आपको ना इतना ज़्यादा पता नहीं लगेगा। बाकी ये आप देख पा रहे हो CNG के यूनिट वगैरह यहाँ पर लगा रखे हैं, और ये अपनी बैटरी वगैरह सब आप देख पा रहे हो, काफ़ी नीट एंड क्लीन काम है। ABS की लाइनिंग वगैरह सब आप देख सकते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि भाई उलझा रखा है। तो दोस्तों ये थी भाई आप सबके सामने टाटा की पंच, आपको कैसे लगी आप जरूर मेरे को बता सकते हो। बहुत सारे लोग भाई ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब दिवाली आने वाली है, नवरात्र ऑफर आ रहे हैं, तो भाई जिस भी भाई को ना काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए होना, तो भाई डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर वो कॉन्टैक्ट कर सकता है एक अच्छी डील के लिए। बाकी अगर इसका एक्सोरूम प्राइस बताऊँ तो भाई 7,22,400 रुपये आपको पड़ता है ये एक्सोरूम। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।